अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो इस समय पूरी दुनिया के मीडिया में, पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है। और अगर आप किसी भी देश के अखबार को चेक करेंगे कल सुबह, तो आपको ये खबर दुनिया के हर अखबार में मिलेगी, हर देश के अखबार में मिलेगी। और वो खबर है साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर के बारे में। सॉफ्ट पावर के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश अपनी सॉफ्ट पावर को कभी ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर का नाम है के पॉप, यानी कोरियन पॉप। और आज की तारीख में कोरियन पॉप के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं BTS, यानी बैंगटन बॉयज। ये एक बैंड है के पॉप का, और इन सभी सदस्यों को, BTS के सभी मेंबर्स को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मिलने के लिए बुलाया था। असल में कोविड के बाद से अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और वर्ष 2020 के बाद से वहां ऐसे लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की 10,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। मई 2021 में अमेरिका की संसद में इसके खिलाफ एक कानून भी बना, लेकिन इसके बावजूद इन घटनाओं को रोका नहीं जा सका। और इसलिए अब जो बाइडेन ने इन घटनाओं को रोकने के लिए BTS से मदद मांगी है, और वो BTS से मिले हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका जैसा देश, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, वो अपने देश में एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को रोक नहीं पा रहा, और इसके लिए उसे BTS की मदद लेनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि आज BTS की सॉफ्ट पावर सुपर पावर अमेरिका से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यहां दो और बातें नोट करने वाली हैं। पहली ये कि इस मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ, जिसमें BTS के सभी मेंबर्स ने अंग्रेजी में बात करने की बजाय अपनी मातृभाषा कोरियन में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ कोरियन भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, बल्कि अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमोट किया, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की भाषा को प्रमोट किया, और दुनिया को बताया कि उन्हें अपने देश पर गर्व है, जबकि हमारे देश में, भारत जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में आज भी लोगों को अपनी मातृभाषा में बात करने में एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है, और हिंदी फिल्मों में काम करने वाले हमारे कलाकार भी अक्सर अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पत्रकार मौजूद थे जितने राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नहीं होते। BTS की सॉफ्ट पावर को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। ये व्हाइट हाउस का प्रेस रूम है जहां पर प्रेस ब्रीफिंग होती है। यहां पर BTS बैंड के तमाम मेंबर्स थे, और खचाखच ये भरा हुआ था, क्योंकि अमेरिका व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिका के हर बड़े मीडिया हाउस का जो रिपोर्टर था, प्रतिनिधि था, वो इनसे सवाल पूछना चाहता था। This is an important month here in America. A lot of our Asian American friends have been subject to real discrimination. Hate only hides. When good people talk about it and say how bad it is, it goes down. So thank you. We want to say thank you sincerely for your decision, such as signing the COVID-19 Hate Crimes Act into law. So we just want to be a little help, and we truly appreciate the White House and the government's trying to find solutions. People care a lot about what you say, and what you're doing is good for all people. It's not just your great talent. It's the message you're communicating. It matters. Oh, wow. Hello, everybody. Good afternoon. So much excitement. I know it's the Fed chair meeting, right? I know. Yeah, Bloomberg. Forget about me. I know. It's not about me. 네, 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다. 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다고 생각합니다.
네, 우리는 모두의 각자의 역사를 가지고 있습니다. 오늘 한 사람 한 사람이 의미 있는 존재로서 서로 존중하고 이해하기 위한 또 한 걸음이 되기를 바랍니다. And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes, remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much. Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.